हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, कल का मैच एकदम शानदार अल्ट्रा क्लीन स्वीप यहाँ पर हो गया हुआ था। एंड अगर बात करूँ वहाँ पर को मिनी ग्रैंड लीग, और यहाँ पे ना एक दो प्लेयर की वजह से बस यहाँ पे मिनी ग्रैंड लीग थोड़ी सी यहाँ पे रुकी। पहला रीजन वो था मेरा जो राशिक सलाम, और देखो मैंने जो वहाँ पर प्लेयर रिस्क लिए थे उसको मेरे को रिग्रेट भी नहीं है। राशिक सलाम सेकेंड इनिंग काफ़ी अच्छा था, ठीक है। एक बार मेरा जो लास्ट मोमेंट में हो रहा था ना कि खलील अहमद लूँ या मुकेश कुमार, तो मैं खलील अहमद के साथ ही रहा। मुकेश कुमार सेकंड इनिंग में अच्छे यहाँ पे था, बट वो गट फील था कि खलील अहमद के साथ जाना है। ईशान शर्मा मेरी कभी लिस्ट में नहीं था, तो उसको लेके मेरे को ऐसा कुछ है भी नहीं। मतलब जो कल यहाँ पे सोचा था एकदम सटीक किया। ना तो हमारे पास टोनी सा वाइस कैप्टन था, ना केएल राहुल। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं। और आपने देखा हमारा जो कैप्टन, बाकी पोरल और होप का कॉम्बिनेशन कोई नहीं लेके आया हुआ स्मॉल लीग की टीम में, वो था हमारे पास में। तो दोस्तों, आप लोगों का अगर जब ये वीडियो में सपोर्ट आएगा ना, तो क्लीन स्वीप आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। तो आपको यही बोलूँगा, करना कुछ नहीं, आपको वीडियो को पूरा देखा करो अच्छे से। वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दिया करो। अगर देखो आपके लाइक होंगे ना, तो वहाँ पे हाँ पता चलता है यार लोगों ने सपोर्ट करा है। तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि आपको क्लीन स्वीप टीम देना। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल की। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो यहाँ पर जाके जुड़ जाना, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर गाइस एक बार जाके चेकआउट कर लेना वहाँ पे क्या काम है। अगर आपको पसंद नहीं है तो छोड़ के आ जाना, लेकिन देख के जरूर आना, ठीक है। बाकी लिंक से ही ज्वाइन करना, सर्च करके मत करना, बहुत फेक चैनल भी यहाँ पे बना के बैठे हैं। बाकी हमारा जो आपको टीम है वो सब फ्री मिलेगा। और अगर गाइस काम पसंद आया तो एक सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही देना। बात करते हैं पॉइंट टेबल की। पॉइंट टेबल से ना आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी, और यहाँ से ग्रैंड के लिए मैच आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। हमारी जो नंबर 2 पर चली वो राजस्थान है, और नंबर 10 पर यहाँ पे पंजाब। अब राजस्थान को मस्ट विन करना है ये गेम। रीजन मैं आपको बता दूं क्या है, ये अभी देखो यहाँ पर को 12 मैच खेले, इनके पास अभी 2 मैच और हैं, ठीक है, 2 मैच और बचे हैं। तो यहाँ पर अगर ये 16 से यहाँ पे हो जाएंगे 18 हो जाएंगे ना, तो इनका एकदम सिक्योर हो जाएगा। अगर फॉर सपोज मान लेते हैं जो CSK और RCB वाला मैच है वहाँ पर को CSK जीती, तो CSK के यहाँ पर होंगे 16 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर को ये चले जाएगी इनसे आगे। तो अब RR है, RR अगर इस मैच में एकदम सिक्योर हो जाती है 18 पॉइंट के साथ में, तो उनको कोई डर नहीं रहेगा। अगर ये मैच आती तो फिर लास्ट वाले मैचों में, क्योंकि इनका 2 मैच बचे हैं, तो 14 मैच में ये प्रेशर बनेंगे और वहाँ पर को फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए इनके लिए राजस्थान भी चाहेगी कि हमको मस्ट विन करना है, और हमारे पास बटलर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो खैर अभी से इनके ऊपर बन चुका होगा। बाकी इनके पास बचा क्या है खोने के लिए, ये कुछ नहीं है, ये पूरी ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिस और हिट वाला पूरी टीम आज रहेगी यहाँ पे। आज जैसे रोसो इनके प्लेयर नहीं रहेंगे, आज ये पूरी हिट और मिस ही है। चली तो चांद तक वरना शाम तक वाला है वो इनका हिसाब बनेगा। बाकी बात करेंगे हमारी वेन्यू की। देखो वेन्यू पर अभी इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, मैं आपके पास कुछ नंबर थे वो यहाँ पे आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपको प्योर लॉजिक है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा आज, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पिच का रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट के मैच खेले गए ना वो कब खेले गए, यहाँ पे 2023 पे, और आप देखते हैं वहाँ पर को रन्स बने हैं। अब 2023 में 199 स्कोर करना भी एक बहुत बड़ी बात होती, 2024 जैसा नहीं, वहाँ पे 250 300 तो नहीं हुए, मतलब 200 कंसिस्टेंट बन रहे हैं। तो वहाँ पर को जो पिछले साल तक रहता था कि 170 एक एवरेज स्कोर यहाँ पर रहता था, और बाकी 150 भी अगर वो स्कोर कोई टीम बनाती थी बॉलिंग अच्छी तो डिफेंड कर लेती थी, और 200 तो ही मान के चलो बहुत ही हाई स्कोर यहाँ पे बन जाता था, ठीक है। इतना कभी देखा नहीं होगा वैसे आपने, इसी सीजन ही आपको बस देखने को मिल रहा है। बाकी अब देखो जब वहाँ पर को स्थिति कुछ इस हिसाब से थी, वह जब 199 बनने, तो अभी तो यहाँ पर को एक दो फ्रेश ट्रैक भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर को रन काफ़ी अच्छे बन सकते हैं जो भी यहाँ पे टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर पंजाब भी करेगी तो वहाँ से भी हैं कुछ प्लेयर लाइक जॉनी बेस्टो, रिल रॉसो, यहाँ पे रन बना सकती है। तो बाकी यहाँ पे लास्ट के जो 2 मैच हुए 8 विकेट यहाँ पे मिले स्पिनर्स को, 15 विकेट यहाँ पे मिले पेसर्स को। बाकी जो हमारा फोटो आएगा ना पिच का, वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, और वहाँ पे वॉइस नोट वगैरह वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी देख सकते हो अब यहाँ पे भी ना देखो काफ़ी चीज़ अलग है। ये जो दोनों मैच हुए थे दोनों अलग अलग पिच हुए थे, यहाँ पर को स्पिनर्स को 7 विकेट 6 विकेट मिले और वहाँ पर को 3 विकेट मिले, ठीक है। तो पिच में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। आप देखो इस फोटो में तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे ये सॉरी धर्मशाला है, गुवाहाटी का जो वहाँ पे पिच था ना वहाँ पर को 3 पिच थी, तो वहाँ पर को 3 पिचेस में होने के कारण और एकदम साथ साथ ही पिचेस हैं, वो कोई ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वो जो पिचेस है ना आपको थोड़ा सा फोटो देख के पता चल पाएगा ड्राई है ग्रास है क्या चीज़ है। बाकी बात करते हैं लास्ट के 2 IPL के मैचेस की, तो राइट आर्म फास्ट को वहाँ पे मिले थे 8 विकेट और यहाँ पे लेफ्ट आर्म को 5 विकेट, लेग ब्रेक बॉलर के यहाँ पे 4 विकेट यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद चलते हैं 27 जो मैच खेले गए इन दोनों के बीच में। 16 मैच विन करे यहाँ पे राजस्थान ने और 11 मैच विन करे पंजाब ने। फॉर्म राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रहा है,
उनका तो पूरा सीजन ही खराब था, दूसरे भाई का। हेड टू हेड का डाटा आपके सामने, तो मैं यहाँ पे जब हेड टू हेड का डाटा देख रहा था ना, तो बस मेरे को दो नाम यहाँ पे सामने है, एक तो जायसवाल का और एक जितेश शर्मा होगा। ये रहा हमारा जितेश शर्मा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पंजाब की तरफ से जो है, और यहाँ पे 36 रन, तीन मैचों का यहाँ पे चला है। और उसके बाद में आज नाथन लेंस के ना चांस आज लग रहे हैं खेलने के। अब ऐसे कि उन्होंने अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ डाला था, एल इज स्पीड कुछ इस तरीके से हम पे डाला था, तो उसका सीधा होता है एल इज स्पीड। तो कहीं ना कहीं आज खेल सकता है बंदा। अब उसे यहाँ पे पूरा सीजन अगर ले रखा है उसे कभी ना तो खिलाओगे, रवाड़े के प्लेस पर उसको खिला सकते हैं। बाकी एक यू चहल आपको यहाँ पर नजर आएगा। आगे चलते हैं यहाँ से, ये हमारे हाइस्ट बैटिंग एवरेज, पहले बात करूँगा मैं हेड टू हेड की। और जूरल आप देखोगे 48, ठीक है, उसके बाद जितेश शर्मा 46, जॉस बटलर है नहीं तो क्या देखना, जायसवाल 43 का एवरेज, हेटमायर 43। इसके बाद आगे चलते हैं हेटमायर 75, हेटमायर आपको एक अच्छा परफॉर्म देकर जा रहा है लेकिन अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता वो। सिमरन सिंह यहाँ पे 60 रन है, उसके बाद अगर बात तो जॉस बटलर ये फिर आ जा रहा है। शशांक सिंह यहाँ पे 28 का एवरेज और जितेश शर्मा वैली पे आप देख सकते हैं 27 का एवरेज। तो जितेश शर्मा वहाँ से भी का आपको थोड़ा सा पिक बन जाता है, तो जितेश शर्मा आज के लिए ट्रंप रहेगा। टॉप फाइव की अगर बात करूँ हेड टू हेड में, यूजी चहल आज के मैच में करेगा बहुत बढ़िया वाला कमबैक, खैर इसको मैं दो तीन मैच से बैक करूँ, पता नहीं कब करेगा। आज के मैच और बैक करते हैं, हर्षल पटेल बहुत बढ़िया प्लेयर आज, 12 मैच 19 विकेट हेड टू हेड में। अर्षिफ के 8 मैच 16 विकेट हैं, रबाडा खेल नहीं रहा। चलते हैं यहाँ पर को वेन्यू पर, यूजी चहल अगेन आपको नजर आता है। नाथन लिंस 1 मैच 4 विकेट है एंड ट्रेंट बोल्ट के 2 मैच में यहाँ पे 3 विकेट आपको नजर आते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो। इसके बाद करेंगे प्लेइंग 11 की, जायसवाल, कार्डमोर, बटर की जगह पे सैमसन, रियान पराग, शुभम दुबे, जूरल, उसके बाद में रवि अश्विन, संदीप शर्मा, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल आपको वहाँ पे नजर आते हैं। दुबे वैसे कुछ खास इतना है नहीं, हेडवायर को ही खिला देते। बात करें यहाँ से जायसवाल की, तो ये बंदा थोड़ा सा ना आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म की क्या बोलोगे यार, ये फॉर्म में भी है, मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं है बस ये बोलो आप, लेकिन इसको भाई साहब फॉर्म पकड़ना पड़ेगा। ये हमारा वर्ल्ड कप का ओपनर है और हमको जो ओपनर चाहिए था ना वो फिलहाल सेलेक्टेड तो खैर वही हुआ है, हमको ऐसा चाहिए था जो तोड़फोड़ करे, जायसवाल उनमें से एक है। और बस भाई साहब तुम अपना ना यहाँ पे फॉर्म, ये जो 104 वाला है, 67 वाला है, ये इसको कंटिन्यू करो, हमको वर्ल्ड कप में ज़्यादा रन नीचे से हर मैच 30-40 रन बना दे, लेकिन वो जिस स्पीड से बनाए ना वो आगे वाले को मोमेंटम देके चले जाए, या रोहित शर्मा ऐसा काम कर ले, बस यहाँ पे काम बन जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। बात करें कार्डमोर की, कार्डमोर एक T20 या T10 का प्लेयर आप बोल सकते हो, जो काफ़ी अटैकिंग यहाँ पे बैटिंग करता है। अब अटैक के चक्कर में लोग पिल भी जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अटैक नहीं करना चाहिए मैच में भी, और वहाँ बाहर में लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा अटैक करोगे यहाँ पे पिले भी जाओगे, तो इसलिए कार्डमोर उनमें से एक है, मिस और हिट वाला बोल सकते हो। ग्रैंडलिंग आप इसको ट्राई करके चले जाना, बाकी जायसवाल मैं स्मॉल लीग में बैक करूँगा। सैमसन और रियान पराग दोनों बैक करो, सैमसन के साथ मेरा कुछ थोड़ा पर्सनल रहता है, जब मैं इसको ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन करूंगा ये बंदा चले जाएगा फ्लॉप, ठीक है, जब इसको टीम से ड्रॉप कर दूंगा तब यहाँ पर को 86-71 यहाँ पर को कुछ इस तरह से काम करके जाता है। वैसे अगर बात करी जाए वैन पे इतना कुछ खास चीज से काम यहाँ पर करा नहीं है, और हेड टू हेड में आप देखो 37 का एवरेज है। बाकी मैचअप से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा आपको बैक करना है नहीं करना है, लेकिन रियान पराग मेरी हिट लिस्ट में यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। देखो सैमसन वैसे तो एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो ये आपकर आपको स्मॉल में 3 मेंबर या 4 मेंबर तक विन करना है, 4 मेंबर नहीं 3 ही मेंबर तक विन करना है तो लेके जाओ। अगर आपको कुछ हटके कुछ मिनी ग्रैंड लीग तक वहाँ पे लेके जाना है फिर वहाँ पे आपको तो रिस्क को तो लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, अगर रिस्क लोगे तब भी यहाँ पे कुछ आएगा। बात करते दुबे छोड़ दो, जूरल का भी ना अगर ये देखो बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता है तो जूरल तब आएगा आपके लिए बैटिंग करने में, अदरवाइज नहीं है। रविचंद्र अश्विन को फिलहाल हम अभी हटा के चलते हैं, ये डिसाइड करेंगे पीसी बोर्ड के आने के बाद। संदीप शर्मा यहाँ पर को 1 मैच खेले 1 विकेट यहाँ पर निकाले, हेड टू हेड में 7 मैच से 9 विकेट है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेके जाएगा, लेकिन अगर नांद्रे बर्गर खेला ना तो संदीप शर्मा का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। चलते यहाँ पर आवेश खान ड्रॉप करके जाऊँगा, ट्रेंट बोल्ट मैं आज बैक करूँगा, पावर प्ले के ना राजस्थान के बॉलर बैक करके जाना, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो या उधर से नांद्रे बर्गर हो या संदीप शर्मा, जो भी आपको पता चल रहा है कि बोल्ट यहाँ पे करा रहा है पावर प्ले में तो उनको बैक करना, क्योंकि पंजाब ना अपने पावर प्ले में 2 विकेट तो फ्री खोएगा खोएगा, मतलब वो देगा आराम से, लो भाई साहब लो, अब ये जिसकी किस्मत होंगे वो विकेट लेके जाएगा। यू चहल के हेड टू हेड और वेन पे बेस्ट यहाँ पर को आपको विकेट्स मिल जाते हैं, और ग्रैंड में सी यू सी बॉलर साथ जरूर ट्राई करना, क्योंकि पंजाब अपने विकेट देगी इतना कन्फर्म है। अब वो कौन सा बॉलर यहाँ पर को बनेगा वो एक एक टीम में सबको ट्राई करना, कहीं पे बोल्ट को कर लेना, कहीं पे यू चहल को ट्राई कर लेना, लेकिन करना आज बॉलर्स को। वैसे दो ही नाम चल रहे मेरे दिमाग में, बोल्ट और यूजी का। बात करते बैटल की, तो यहाँ पर आप पहले सैमसन का बैटल देखते हैं, जो सबका आज कैप्टन यहाँ पर रहेगा,
एलिस अगर आएगा तो बहुत जल्दी ले गया, राहुल चहर के आगे तो खैर उतना दिक्कत नहीं है, आसिफ के आगे कोई दिक्कत नहीं, सैम करन के आगे इनको वहाँ पे दिक्कत बन जाती है। नाथन एलिस यहाँ पर, सॉरी नाथन एलिस कह रहा हूँ, जायसवाल यहाँ पे नाथन एलिस के आगे गया, आसिफ के आगे गया, राहुल चहर के आगे रन बनाया, तो शुरुआत में ये इनको लेके जा सकते। कार्डबोर्ड का कोई नहीं यहाँ पर कोई बैटल, रियान पराग के बैटल भी कुछ खास तो लग नहीं रही, लेकिन इसका जो फॉर्म वगैरह है इसलिए मैं थोड़ा इसको बैक करके जा रहा हूँ रियान को। बात करें पंजाब की, बेस्ट टॉप सिमरन सिंह, रिले रॉसो, सैम करन, शशांक, आशुतोष बरार, अर्शदीप, राहुल चहल पटेल एंड केवीरप्पा आपको देखने को मिलेंगे। ओपनर्स में ओनली जॉनी बेस्टो मेरे को नजर आता है, बैटिंग सेक्शन अगर कोई रन बना सकते बाकी और कोई नहीं। सिमरन सिंह को ड्रॉप करके जाएंगे, रिले रॉसो मिस और हिट वाला प्लेयर है। देखो अगर आप इसको ले रहे हो तो आप ये समझना मैंने बस 10 प्लेयर की टीम बनाई है, 11 प्लेयर मेरे को 0 पॉइंट भी देके जा सकते हैं, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कभी भी जब आप अपने प्लेयर लेते हो ना गट फील वाले, तो उसके बाद ये मैं सोचना कि उसने परफॉर्म करा या नहीं करा। ठीक है, अब रॉसो की वही चीज़ है, अगर आप इसको लेके जा रहे हो तो यहाँ पे आपको देखे जाएगा 0 भी देखे जाएगा, 9 भी देखे जाएगा, अगर दिन अच्छा हुआ तो 61 रन भी यहाँ पे स्कोर करके जाएगा, तो ये उनमें से एक है। अब बात आती है सैम करन, सैम करन हमारे पास एक सेफ बिन भी बन जाता है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। हम कभी कभार क्या सोचते हैं कि हमारा जो कैप्टन वाइस कैप्टन है सेफ रो। कल मैं मिनी ग्राइंड आपको बता रहा हूँ गाइस, मैं स्टप्स को लेके जाने वाला था, लेकिन फिर एक गट फील आया यार नहीं थोड़ा यहाँ पे सेफ चले जाते कैप्टनसी में, क्योंकि अगर आप मेरी टीम देखोगे होप और पुरल का कॉम्बिनेशन कोई नहीं लेके आएगा। अब मैंने कहा इतना मैं रिस्क ले लेता हूँ ये बहुत है, बाकी अगर स्टप्स को भी ले गया तो अल्ट्रा वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर ना तो मैंने कहीं पर बोला किसी को ऐसा करने के लिए, ना मैंने खुद करा, तो वहाँ पर को मैं सेफ किया था। जैक को यहाँ पे मैंने कैप्टन करा, कोई बात नहीं कैप्टन फ्लॉप हुआ, टीम तो हमारी चली ना, तो टीम मैटर करती है। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा हमारे जो रिस्क होते हैं काफ़ी मतलब अच्छे होते हैं और किस तरीके से मैनेज करे हुए होते हैं। तो बाकी सैम करन एक सेफ के लिए आप सीवीसी आपके लिए बन सकता है भाई, शशांक सिंह को आप बैक करके जाएंगे और यही एक बचता है बैट्समैन। आशुतोष शर्मा को आप अपनी कुछ टीम में ट्राई करना जहाँ पर आपको लग रहा है टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स है, आशुतोष शर्मा से उम्मीद नहीं आपके लिए ट्रंप बनेगा। बाकी बरार को छोड़ देते हैं, आरसीफ को हम पकड़ के चलेंगे ये हमारे पास रहेगा, राहुल चहर को छोड़ दो, हर्षल पटेल ये आपके पास एक मस्ट पिक यहाँ पर होना चाहिए हमारी आज की टीम्स में। इसके बाद करते हैं केवीरप्पा, अच्छा प्लेयर है, लेकिन बात करूँ मैं जितेश शर्मा की, तो जितेश शर्मा ट्रंप बनेगा अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहा है तो इसको बैक करके चले जाना। बाकी बात करते हैं से बैटल की, तो रिले रॉसो यहाँ पे अश्विन के आगे गया, बर्गर के आगे बोल्ट के आगे जे जा ही रहा है आज। सैम करन बोल्ट के आगे, महाराज बर्गर, सो वैसे बर्गर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिमरन सिंह यहाँ पे बोल्ट के आगे, युज चहल के आगे, शशांक सिंह का कोई बैटल नहीं है। जितेश शर्मा का जो बैटल है वो यहाँ पे आवेश खान के आगे 2 बार और युज चहल के आगे 1 बार है। तो बात करते हैं हमारी आज की टीम की, तो देखो ये एक सेफ टीम है, एक डेमो टीम होगा। ठीक है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो वहां पर को जाके जुड़ जाना। सैमसन एज ए कैप्टन, सिमरन सिंह को यहाँ पे हटा के जॉनी बेस्टो को लो। ठीक है, वो मैं फिलहाल आपको डेमो दिखा रहा हूँ, जायसवाल, शशांक सिंह, रॉसलो, सैम करन, रियान पराग, अश्विन और यू चहल, हर्षल पटेल, संदीप की जगह पे यहाँ पे बोल्ड का बैक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बनेगा हमारा आज का वीडियो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए मैच।